नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सरकार बनाने की जुगत में लगी एनडीए, एनडीए नेताओं की आज बड़ी बैठक, जोड़ तोड़ में जुटा इंडिया गठबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार को देंगी विदाई भोज, आज राष्ट्रपति भवन में किया आमंत्रित, आज पीएम मोदी पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। नवीन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी के जीत के एक दिन बाद दिया इस्तीफा, सीएम नवीन पटनायक ने राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा इस्तीफा। और अब समाचार विस्तार से। देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी 200 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है और इसी सिलसिले में तमाम दल और कई पार्टियों के नेता एक्शन में आ चुके हैं। इसी को लेकर दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। एनडीए की इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं बैठक में बीजेपी नेता अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज बुधवार को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। इसके अलावा शाम को ही इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन में ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। और दरअसल इंडिया गठबंधन भी हर जोड़ तोड़ में लगा हुआ है ताकि वो अपनी सरकार बनाने की हर संभावना पर विचार कर सके, लेकिन एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद जब बीजेपी के ऑफिस पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी ऑफिस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की लगातार तीसरी बार जीत को ऐतिहासिक पल बताया और इसके लिए देश की जनता के प्रति आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन देश की जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ताकत से काम करेगा। देश की जनता ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। पीएम ने इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिजनों को नमन किया और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। 2024 के आम चुनावों के लिए लोकसभा के नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद निवर्तमान मंत्रिमंडल का विदाई रात्रि भोज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है और उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार के लिए विदाई भोज का आयोजन करवाया है, जिसके लिए पीएम मोदी अपने मंडल के सदस्यों को लेकर आज राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन सर्किट 1 का दौरा 5 से 9 जून तक आम जनता के लिए बंद रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के आगामी आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के एक दिन बाद नवीन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रमुख और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वह
वे सुबह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की। ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए। नवीन पटनायक की बीजेडी ने 51 सीटें जीती हैं और 24 साल बाद सत्ता खो दी है। इसके बाद मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी ने 71 सीटें जीती है। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 74 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस ने 14 सीटें जीती है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के रूप में कई रिकॉर्ड बने और कई टूटे हैं। इनमें से पंजाब के नए बने सांसदों में से लगातार 4 बार जीतने का रिकॉर्ड सिर्फ हरसिमरत कौर बादल के नाम शामिल है, जो 2009 से लगातार बठिंडा से एमपी हैं। बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल चुनाव जीत गई हैं, जिसके लिए उन्होंने वहां की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि वो इसी तरह जनता की सेवा करती रहेंगी। वहीं हरसिमरत बादल की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, परिवार में भी खुशी का माहौल है। सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिथे मैं गुरु साहब दा कोटान कोट धन्नवाद करदी हाँ कि शायद 13 विचों कल्ले एक ही अकाली दल दा उम्मीदवार है जिहड़ी चौथी बारी इको पार्टी तो इको हल्के तो खड़िया है। ते गुरु साहब दी अपार कृपा ते इस जित दा सिरा मेरे एक एक वर्कर नूं जांदा है, जिन्हां ने सिर तोड़ मेहनत कीती, जिन्ने अड्डी चोटी दा जोर मेरे वर्करां ने लाया। चौथी बारी एक हल्के तो जितना ते पहली भी लीडा तो 3 गुना वध जितना, ये सेरा भी मेरे वर्करां दा, ये मेहनत भी मेरी वर्करां दी, ते ये जित बठिंडा पार्लियामेंट्री हल्के दे लोकां दी, जिन्हां ने इस निमानी सेवादार नूं एक बार फिर अपनी सेवा दा मौका बख्शा। मैं गुरु लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद हाईकमान को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। चुनावों में जहां सारे पंजाब में 13 नेताओं की तरफ से वादा किया जा रहा था कि सभी सीटें जीतेंगे, लेकिन पंजाब में सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की है, बल्कि कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल कर पंजाब में वापसी की तैयारी की है। अब पंजाब में लोगों की नगर निगम और पंचायत चुनावों पर नजर रहेगी कि कब सरकार इन चुनावों को करवाए। आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन अब लोकसभा चुनावों के नतीजों के परिणामों के बाद पता चला है कि लोग इनसे पीछे हटते जा रहे हैं। वहीं अभी तक सरकार ने पंजाब में नगर निगम और नगर काउंसिल के चुनाव भी नहीं करवाए हैं और अब सरकार को नगर निगम चुनाव जल्द करवाने पड़ेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सहस्त्र ताल पर ट्रैकिंग करने गए 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल के खराब मौसम के कारण रास्ता भटक जाने और रास्ते में फंस जाने से 4 लोगों की मौत की आशंका है। उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट मेहरबान सिंह बिश ने कहा कि ट्रैकिंग टीम में कनाडा के 18 सदस्य, महाराष्ट्र से एक और 3 स्थानीय गाइड शामिल थे, जो 29 मई को सहस्त्र ताल के ट्रैकिंग अभियान पर जा रहे थे और उन्हें 7 जून को वापस लौटना था। हालांकि खराब मौसम के कारण टीम अपना रास्ता भटक गई और ट्रैकिंग एजेंसी हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी मनेरी ने अधिकारियों को 4 लोगों के बारे में सूचित किया जिनके मारे जाने की आशंका थी और फंसे हुए 13 सदस्यों के निकालने का अनुरोध किया गया। पिछले राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल से बचाव दल को मौके पर भेजने और ट्रैकर्स को बचाने का अनुरोध किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर बचाव दल भी घटनास्थल पर भेजने का आदेश दिया। टिहरी जिले से पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर भेजने के लिए अनुरोध किया गया। सहस्त्र ताल में फंसे ट्रैकरों को निकालने के लिए टिहरी जिला प्रशासन ने टीमें भेजी हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी को यूपी के गरीबों और वंचितों के लिए काम करने वाला बताया। सीएम योगी का आज 52वां जन्मदिवस है। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 5 जून 1972 में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनके आने वाले समय में दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। वहीं पीएम मोदी की बधाई पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि आपकी आत्मीय और ऊर्जावान शुभकामनाएं मेरे लिए अथाह प्रेरणा का स्रोत हैं। आपके यशस्वी मार्गदर्शन में विरासत और विकास को संजोए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना साकार हो रही है। वहीं बधाई देने के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। मेरठ में सरेआम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त मृतक शख्स अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गया था। इसी दौरान स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावर ने गोली मार दी और स्विमिंग पूल में मर्डर की वारदात कैमरे में कैद हो गई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हमलावर व्यक्ति की हत्या कर मौके से फरार हो गया और पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जुरानपुर फाटक की है, जहां 25 वर्षीय अर्शद को उसके बच्चों के सामने सरेआम गोली मार दी गई। बच्चे चीखते रहे, लेकिन गोली चलते ही सब लोग इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में 2 दिन पहले कोई विवाद हुआ और इसी के चलते ये हत्या हुई। आरोपी बिलाल और दानिश फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
पश्चिम बंगाल में चुनावों के नतीजे आने के बाद हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। यहां किसी ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। बता दें कि राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच अक्सर हिंसा और झड़प की खबरें सामने आती रही हैं। इस बार भी चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने दावा किया था कि राज्य में पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ये थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।